मेरी कामना पूरी हुई ना कोई कहने की बात नहीं, हम तो बहुत खुश है। इस इलाके के लोग भी देखने देख रहे हैं, सभी के लिए देख रहे हैं, देख रहे हैं। पहली बार हुआ, हमारी बहू है, बेटा है, सभी आया है, सभी हमारा परिवार इतना खुश है ना कोई कहने की। हस्बैंड बारात कैसे लेके आए? कि मेरे हस्बैंड वो भी ऐसे ही आए तुम्हारे, पर लेकिन खुश कर रही है ये मेरी बहू, मैं इतनी खुश हूँ ना आज। देवर की कितनी खुशी, आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है सारा? देख तो रहे हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू हमारे घर आ रहे हैं, खुशी की आंसू हुई है, इतनी खुशी सभी को। हमारे परिवार इतना बड़ा ना, सभी ऐसे खुश है, इतने खुश है कोई कहने की बात। ये हमारी बड़ी बहू है, इतनी खुश है कोई कहने की बात नहीं, देखो खुशी के आंसू इसके आंखों में। कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे आप? ऐसे हमारे हस्बैंड है ना, उन्होंने किया, 5 साल पहले भी किया था बड़े बेटे के लिए, हम कामयाब नहीं हो सके, छोटे बेटे के लिए किया तो हम कामयाब हो गए। कहीं भी गए, जो किसी भी अफसर के पास गए ना, उस उन्होंने हमें बोला कि बहुत खुशी वाली बात है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, उन्होंने जैसे किया कोई अड़चन नहीं आई, परमिशन सभी ने दे दी हमें, कोई नहीं परेशानी आई। परिवार खुश है, सारा परिवार, हम इतना खुश है, इतनी खुशी है हमें। ज्योति, आपकी शादी के टाइम आपको भी जाने, अब आप पहले कैसा फील हो रहा है आपके बेटे की बारात? बहुत खुशी हुई हमें, अपने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में ये पहले बार, ये पूरा दास है, आज तक नहीं हुआ। पहले बेटे की मैंने शादी की थी तो तभी मैं परेशान था, थोड़े पैसे की कमी थी इसलिए मैं ना कर सका, तो आज 5 साल के बाद छोटे बेटे की शादी आई है, तो मैं इसलिए कोई बंदोबस्त किया, इधर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रहा था तभी से, 5 साल इसलिए लेट कर दिया उसकी शादी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी शौक थी वो जहाज में बैठ के वो अपने ससुराल में जाए और उधर मेरी नूह लेके आए जहाज में, तो मैं इसलिए पूरी ख्वाहिश रखता था। और मेरे जो जम्मू कश्मीर के कोई भी अपना मुलाजम है, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और जब जब मैं दफ्तर जाता था इन्होंने मेरे साथ जो भी कमिटमेंट हुआ था कर ले, जो परमिशन मेरे को दे दी, मैं मुझे बहुत खुशी है। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट का सभी का, जैसे हर माँ बाप की इच्छा थी कि हमारा बेटा कोई आईपीएस अफसर बने, डॉक्टर बने, कुछ ऐसा बने सर, लेकिन आपने ये अजीब तरह का ये मेरे बच्चे सर पढ़े नहीं, मेरे बच्चे बाहर के तरह पढ़े थे, बाकी नौकरी नहीं मिलती, मैंने उनको बोला अपनी दुकान कर लो, वो उन्होंने अपनी दुकान कर ली, तो बस दुकान में करते थे, तो हमने कुछ सोचा चलो ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम जब तक ये करेंगे तो हेलीकॉप्टर करेगा, तो जम्मू वालों ने हमें ये यहाँ से मना कर दिया, हमें दिल्ली से लाना पड़ा। हमारे साथ लड़के के भाई भी उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनके टाइम ये कैंसिल हो गया था और आज वो कैसा फील कर रहे हैं। सर आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, आपके टाइम भी आपके पापा ने ट्राई की थी कि आपकी मेरे टाइम भी पापा ने ट्राई किया सर, और उनसे वो आधा अधूरा काम रह गया था, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब जो छोटे भाई की जब शादी होगी, मैरिज होगी, तब हम मैं ट्राई दोबारा करूंगा, और मेरे को बड़ी खुशी हुई। मध्यम वर्ग से ये परिवार आता है और आज इतनी बड़ी खुशी है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दूल्हा चौपर लेके अभी दुल्हन को लेने गया है। अब इनका दूल्हा उड़न खटोला लेके उठ चुका है और सुबह दुल्हन लेके वो वापस इस जगह पे लैंड करेगा, और हम कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पे आके दुल्हन के साथ आपको इनके विजुअल दिखाएं। कैमरामैन राजेश के साथ संजय शर्मा, जम्मू परिवर्तन, गग्याल।